हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा आर्टशाला में आपका स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं एक पैटर्न बना के लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इसे आप लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों की फ्रॉक में, बच्चों के टॉप में डाल सकते हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स हमें 5 के मल्टीपल फंदे चाहिए। देखिए, 5 + 5 5 करते हुए +2 फंदे हमें इसमें चाहिए। एक फंदा हमें स्टार्टिंग में और एक फंदा लास्ट में एक्स्ट्रा चाहिए। बीच में हमारे ये 5 5 के फंदे हैं। आइए फ्रेंड्स, इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 17 फंदे डाले हैं। इसमें मैं आपको ये वाला पैटर्न, यहाँ से यहाँ तक का ये पैटर्न मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये 17 फंदे इसमें मैंने ये डाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 2 सिलाइयाँ अपनी सीधी सीधी निकाल लेते हैं दोनों साइड से। ये देखिए, ये सिलाई भी हम पूरी सीधी निकालेंगे। पूरी सिलाई हम इस तरीके से बनाते हुए इसको सीधी सीधी बनवाएंगे। देखिए, मैंने ये सीधी सीधी सिलाई बुनी और इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 8 × 16 और 1 17 17 फंदे मैंने इसमें ये लिए हैं। अब हम इसमें एक सिलाई और अपनी इधर से सीधी निकाल लेंगे। आप इसमें चाहे जो भी बॉर्डर बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, नीचे से बॉर्डर बना लीजिएगा और उसके ऊपर अपना ये पैटर्न फिर स्टार्ट कीजिएगा। हम इसको बना लेते हैं। देखिए, अब मैं इसकी सीधी तरफ आ गई हूँ और सीधी तरफ से पहला फंदा फ्रेंड्स हम इसका ये सीधा बनाएंगे। पहला फंदा सीधा बनाने के बाद इस वाले फंदे को देखिए, हम 5 फंदों में से पहले फंदे को पलटेंगे। पलट कर यहाँ पर हम 2 फंदों का 1 करेंगे। 2 फंदों का 1 किया, आगे धागा किया, इस बीच वाले फंदे पर हम एक जाली बनाएंगे और इसे सीधा बुन देंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, इधर से भी हम 1 और 1 ये पीछे वाला दोनों फंदे लेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे और एक जाली बना देंगे। ये देखिए, हमारे दोबारा 5 फंदे हो गए हैं। फिर आगे धागा करेंगे, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 1 ये 5। 5 फंदे हमने उल्टे बुने, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर हम जैसे यहाँ पर बनाए यहाँ पर बनाएंगे, पहला फंदा पलटेंगे, 2 फंदों का 1 कर देंगे। फिर आगे धागा करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर आगे धागा करेंगे, इन 2 फंदों का भी यहाँ पर हम ऐसे इधर की साइड से 2 फंदों का 1 करेंगे और एक जाली बना देंगे। लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे। अब हम उल्टी साइड से देखिए, जो फंदे हमें उल्टे दिखेंगे उनको हम उल्टा बुनेंगे और जो फंदे सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बुनेंगे। पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे और आगे के ये 5 फंदे जो हमने इधर से सीधे बनाए हैं इनको इधर से हम उल्टा बुन देंगे, 3 4 और 1 ये 5। धागा पीछे करेंगे, ये बीच के 5 फंदे हमारे जो इधर से उल्टे बुने थे इनको इधर से सीधा बुन देंगे। सीधे पर उल्टा और उल्टे पर सीधा, इस तरीके से हम इधर उल्टी साइड से बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, फिर 5 फंदे हमारे ये उल्टे बनेंगे और लास्ट का फंदा भी हमारा ये उल्टा बनेगा। अब हम 2 सिलाई और फ्रेंड्स अपने इसी तरीके से निकाल देंगे, सेम ऐसे ही बनाते हुए। पहला फंदा सीधा, इस फंदे को पलटेंगे। अब जो जाली वाला फंदा है इसे और एक फंदा ये लेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर धागा आगे। अब इधर से भी हम 2 फंदों का इस तरीके से 1 कर देंगे और एक एक जाली डाल दी दोनों साइड में। फिर धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, देखिए 5 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे किया, फिर ये फंदा पलटेंगे और 2 फंदों का इधर से हम 1 करेंगे। फिर धागा आगे, एक फंदे पर जाली, फिर धागा आगे, इन 2 फंदों का 1, फिर लास्ट का फंदा हम ये सीधा बनाएंगे। अब उल्टी साइड से हम पहला फंदा अपना उल्टा, फिर आगे के 5 फंदे उल्टे, 3 4 और 1 ये 5, धागा पीछे, 5 फंदे सीधे, देखिए 5 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा आगे
आगे के पांच फंदे हमारे ये उल्टे और लास्ट का फंदा भी हमारा ये उल्टा बनेगा। अब हम इसकी सीधी तरफ आ गए हैं और पैटर्न की हमारी ये पांचवी सिलाई है। चार सिलाइयां हमने इसमें निकाल दी हैं। अब हम पहला फंदा अपना ऐसे ही सीधा बनाएंगे, फिर इस फंदे को पलटते हुए दो फंदों का एक करेंगे, फिर आगे धागा करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदों का एक करेंगे और एक जाली बना देंगे। अब धागा आगे करके जो हमारे ये पांच फंदे हैं इनमें से हम दो फंदे पहले उल्टे बुनेंगे। अब इस वाले फंदे पर देखिए हम इस तरीके से एक धागा लेकर इसको ऐसे ही उतार लेंगे, फिर आगे के दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर अपनी ये वाली पट्टी बनाएंगे, दो फंदों का एक, फिर धागा आगे, एक जाली, फिर धागा आगे, दो फंदों का एक और एक जाली, लास्ट का फंदा सीधा। अब हम इसकी उल्टी तरफ हैं और उल्टी साइड में भी फ्रेंड्स हम इसमें हमारा पैटर्न डलेगा। पहले हम अपना एक ये पहला फंदा उल्टा, फिर पांच फंदे हमारे उल्टे, देखिए इस तरीके से हमने ये पांच फंदे उल्टे बनाए। अब इधर से हमारे ये दो फंदे पहले हम ये सीधे बना लेंगे। अब देखिए जो दो फंदे हैं हमारे ये, इस पर हम जैसे हमने उल्टी साइड में धागा लपेटा था, धागे को हम इधर लेकर आएंगे और इन फंदे को ऐसे उतारते हुए इस धागे को हम पीछे से ऐसे मतलब पीछे लेकर जाएंगे इस तरीके से, और दो फंदे अपने ये सीधे बुन देंगे। दोनों तरफ से एक एक धागा हमारा इस फंदे पर ये आया है। अब दोबारा से हम अपने ये पांच फंदे उल्टे बुनेंगे और लास्ट का फंदा भी उल्टा। अब हम इसकी सीधी साइड हैं और सीधी साइड से अब हमारी ये आठवीं सातवीं सिलाई है। देखिए पहला फंदा सीधा, फिर दोबारा से हम अपने जाली ऐसे ही बनाएंगे, दो फंदों का एक किया फंदा पलटते हुए, फिर एक फंदे पर जाली, फिर दो फंदों का एक और एक जाली। अब धागा आगे करेंगे, दो फंदे जो हमारे ये हैं इन्हें हम यहाँ पर ऐसे उल्टा बुन देंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जो हमारे ये तीन फंदे हो चुके हैं, इस वाले फंदे पर हमने जो दो बार धागा लपेटा था, इन तीन फंदों को हम ऐसे सीधा बुनते हुए तीन फंदों का एक कर देंगे, फिर आगे के दो फंदे हम आगे धागा करके दो फंदों का एक करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर हम फंदा पलटते हुए दो फंदों का एक करेंगे, धागा आगे लाएंगे, एक जाली, फिर दो फंदों का एक और एक जाली, लास्ट का फंदा हमारा ये सीधा बनेगा। अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं और उल्टी साइड से हमारी ये आठवीं सिलाई है। पहला फंदा हमारा ये उल्टा बनेगा, पांच फंदे फिर हमारे ये उल्टे बनेंगे। देखिए पांच फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, और जो हमारे ये बीच का फंदा है इस फंदे को अब हम इस सिलाई में उल्टा बनाएंगे। जो हमने तीन फंदों का एक किया था उल्टा बनाया, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे, फिर हमारे पांच फंदे ये देखिए इसी तरीके से उल्टे बनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और लास्ट का फंदा हमारा ये उल्टा ही बनेगा। अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं और हमारी ये नौवीं सिलाई है। इधर से फ्रेंड्स देखिए हम पहला फंदा अपना सीधा ही बनाएंगे, फिर इस फंदे को पलटेंगे, जाली बनाएंगे, दो फंदों का एक किया और एक फंदे पर ये जाली, फिर आगे धागा, दो फंदों का एक और एक जाली। अब धागा अपनी तरफ करके दो फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब देखिए जो हमारे ये बीच के फंदे हैं, एक दो तीन, तीन चेन है, जो नीचे वाली पहली चेन है इसके अंदर से सिलाई डालते हुए एक धागा अपनी तरफ ऐसे लेकर आएंगे। इस धागे को हम इस सिलाई में डाल देंगे जिसमें हमारे फंदे हैं, और यहाँ से हम इन दो फंदों का एक करेंगे। एक फंदा तो ये जो हमने नीचे से लिया है और एक फंदा हम सिलाई में से लेंगे, दो फंदों का यहाँ पर हम एक कर देंगे। देखिए इस तरीके से दो फंदों का एक किया, फिर धागा आगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर हम इस फंदे को पलटते हुए दो फंदों का एक करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली, फिर धागा आगे, दो फंदों का एक और लास्ट का फंदा हमारा सीधा। अब हम उल्टी साइड से देखिए अपने पहला फंदा
उल्टा बनाएंगे, पांच फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, पांच फंदे उल्टे बने, धागा पीछे करेंगे। अब इस सिलाई में हम अपने पांच फंदे इधर से ही है सीधे बना देंगे, बीच वाले फंदे को भी सीधा ही बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से पांच फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, फिर धागा अपनी तरफ, पांच फंदे उल्टे, देखिए इस तरीके से, फिर लास्ट का फंदा हमारा उल्टा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पैटर्न बनकर तैयार है, एक डिब्बी हमारी बन चुकी है। अब ये वाली डिब्बी हम यहाँ पर बनाएंगे और ये वाली डिब्बी यहाँ पर और यहाँ पर बनाएंगे। इसके लिए देखिए हम सबसे पहले अपनी पहला फंदा सीधा, फिर पांच फंदे हम धागा आगे करके उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार और एक ये पाँच, धागा पीछे करेंगे। अब जो हमारे ये पांच फंदे हैं, इन फंदों पर हम ये जो यहाँ पर हमने जाली बनाई थी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इसको पहला फंदा ऐसे पलटेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे, फिर आगे धागा करेंगे, इस वाले फंदे पर एक जाली डाल देंगे, फिर धागा आगे, दो फंदे इधर से हम लेंगे और दो फंदों का एक करेंगे और एक जाली डाल देंगे, फिर धागा आगे, पाँच फंदे उल्टे। देखिए पांच फंदे हमने ये उल्टे बनाए, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। अब हम इसकी उल्टी सिलाई निकाल लेंगे, पांच फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, फिर पांच फंदे सीधे। अब देखिए हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं उल्टी साइड से बनाकर। अब हम इसमें दोबारा से अपना पहला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से हम अपने पांच फंदे उल्टे, ये पैटर्न की जैसे हमने तीसरी सिलाई निकाली थी फ्रेंड्स, वैसे हम ये तीसरी सिलाई निकाल रहे हैं। फिर इस फंदे को पलटेंगे, दो फंदों का एक किया, इस वाले फंदे पर एक जाली डालेंगे, फिर धागा आगे, दो फंदों का एक और एक जाली, जैसे हमने यहाँ पर अपनी तीसरी सिलाई निकाली थी वैसे ही ये बना रहे हैं। फिर धागा आगे करेंगे, पाँच फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब हम इसकी उल्टी सिलाई भी निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने उल्टी सिलाई भी निकाल ली है और जैसे हमने यहाँ पर अपनी ये चार सिलाइयाँ निकाली थी वैसे ही हमारी यहाँ पर ये चार सिलाइयाँ निकल चुकी है। अब हम अपना ये वाला पैटर्न यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम अपना पहला फंदा सीधा ही बना लेंगे, आगे धागा करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। अब इस वाले फंदे पर हम ऐसे धागा लपेटते हुए ऐसे ही उतार लेंगे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, इस फंदे को पलटेंगे और दो फंदों का एक करेंगे, फिर धागा आगे, एक जाली, फिर धागा आगे, एक जाली और दो फंदों का एक किया, फिर धागा आगे करते हुए ये वाला पैटर्न यहाँ पर फिर बनाएंगे, दो फंदे उल्टे बुने, इस वाले फंदे पर से ऐसे धागा लपेटते हुए इसे ऐसे ही उतार लिया, फिर दो फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा। अब हम अपनी उल्टी साइड आ गए हैं और जब हमारी छठी सिलाई आती है ये उल्टी साइड से, तो हम यहाँ पर दोबारा से अपना पैटर्न उसी अनुसार बनाएंगे जैसे हमने नीचे छठी सिलाई में बनाया था। पहला फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, धागा पीछे ले जाकर इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे और इस धागे को ऐसे लेकर पीछे ही का साइड से इस फंदे को सीधा बुनेंगे आगे के दो फंदे। ये देखिए एक फंदे पर दो बार धागा लिपट चुका है। अब हम आगे धागा करेंगे, पांच फंदे अपने ये उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा आगे लाकर इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, दो फंदे हैं जो हमारे, और इस धागे को हम यहाँ से ऐसे ले जाकर आगे के दो दो फंदे सीधे हैं इनको हम ऐसे सीधा बना देंगे और लास्ट का फंदा हमारा उल्टा बनेगा। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसकी सातवीं सिलाई पर हैं, पहला फंदा हम अपना सीधा ही बनाएंगे, आगे धागा करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, जो हमारे ये तीन फंदे हैं देखिए इन तीन फंदों को हम इधर से ऐसे सीधा बना देंगे इस तरीके से, फिर आगे धागा करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, इस फंदे को पलटते हुए दो फंदों का एक, फिर आगे धागा, एक जाली, फिर आगे धागा, एक फंदा जाली डाली, एक फंदा सीधा बुना, फिर दो फंदों का एक और एक जाली,
फिर धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर हमारे जो ये तीन फंदे हैं देखिए, तीन फंदों को इधर से हम ऐसे एक कर देंगे, फिर आगे धागा करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। अब हम इसकी उल्टी साइड हैं, और उल्टी साइड से पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, जो हमने तीन फंदों को एक किया था इसको हम इधर से उल्टा बना देंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे, पांच फंदे उल्टे, देखिए इस तरीके से, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, और लास्ट का फंदा उल्टा। अब देखिए हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं, और सीधी साइड से अब हम दोबारा से अपनी पहला फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए जो बीच का फंदा है हमारा, ये तीन, एक दो तीन, तीन चेन है, जो हमारी ये पहले वाली चेन है इसके अंदर से सिलाई डालते हुए एक धागा हम ऐसे आगे लेकर आएंगे, और इस फंदे को हम इस सिलाई में डाल देंगे जिसमें हमारे ये फंदे हैं, और यहाँ से हम दो फंदों का एक करेंगे इस तरीके से, फिर आगे धागा लेकर आएंगे, दो फंदों का उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, इस फंदे को पलटेंगे, दो फंदों का एक, धागा आगे, एक जाली और एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, दो फंदों का एक और एक जाली। अब हम इसकी आगे धागा करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक दो तीन, तीसरी चेन के अंदर से देखिए ऐसे सिलाई को डालेंगे, एक फंदा अपनी तरफ लेकर आएंगे, इस फंदे को हम इस सिलाई में डाल देंगे, यहाँ से हम दो फंदों का एक करेंगे सीधा बुनते हुए, धागा आगे और दो फंदे उल्टे, लास्ट का फंदा हमारा सीधा। अब हम इसकी उल्टी साइड हैं, और उल्टी साइड से पहला फंदा हमारा ये उल्टा बनेगा, धागा पीछे, पांच फंदे सीधे, अब बीच का फंदा भी हमारा ये सीधा ही बन जाएगा इस सिलाई में, फिर धागा आगे, पांच फंदे उल्टे, दो तीन चार और एक ये पांच, फिर धागा पीछे, पांच फंदे सीधे, दो फंदे सीधे बुने, ये वाले फंदे को भी हम सीधा ही बना देंगे, ये देखिए इस तरीके से, और लास्ट का फंदा हमारा ये उल्टा बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पैटर्न डल चुका है। पहले बार जो मैंने ये डिब्बी यहाँ पर बनाई और यहाँ पर बनाई, उससे अगली बार हमने ये डिब्बी कंप्लीट करने के बाद फिर अपनी ये वाली डिब्बी हमने बीच में बना दी, और ये वाली डिब्बी हमने दोनों साइड बना दी। इसी तरीके से हम अपना ये पैटर्न रिपीट करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर हम ये डिब्बी बनाएंगे ऊपर, और यहाँ पर ये वाली डिब्बी बनेगी। इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ये पैटर्न बनाते हुए मैंने ये बनाया है। पहले मैंने ये डिब्बी यहाँ पर बनाई, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ये वाली डिब्बी यहाँ पर बनाई, फिर यहाँ पर, इसी तरह से इसको चेंज करते हुए ये पैटर्न मैंने फ्रेंड्स बनाया है, और बनने के बाद ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।